नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आमिर खान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं नगर मेवात के न्यूज़ चैनल पर। प्यारे साथियों, आज हमारी मौजूदगी सीकरी की कृषि उपज मंडी में है, जहां माननीय विधायक वाजिब अली जी के द्वारा एक मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया गया है, जिसकी कुल लागत जो स्वीकृत की गई है उसकी राशि है 27.85 लाख। तो अभी इस मीटिंग हॉल को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य हैं, क्या इनके लाभ होंगे, उन्हीं से जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। धन्यवाद। आज सीकरी कृषि उपज मंडी के पृथक और इंडिपेंडेंट होने के बाद पहली साधारण सभा की मीटिंग हुई है। जी जी। उसमें मंडी के लिए जो प्रस्ताव थे, जो एजेंडा थे, आने वाले कैसे कैसे संचालित होगी, उनको सर्वसम्मति से पास किया गया। जी। आने वाले वक्त में कैसे मंडी अच्छे से संचालित हो, जी जी, उसके बारे में चर्चा की गई। और एक हॉल बड़ा बन रहा है, एक और उसका शिलान्यास किया गया। जी। और उम्मीद करते हैं, सभी सदस्य ने चिंता व्यक्त की कि हम लोग आने वाले वक्त में अपनी मंडी को कैसे बेहतर कर सकें, किसानों के लिए क्या क्या और सुविधाएं पैदा कर सकें। जी, इस बात में चर्चा चुकी। अच्छा सर, ये जो मीटिंग हॉल आपने आज जिसका शिलान्यास किया है, किसानों को इसका लाभ किस तरीके से पहुंचेगा? किसानों के लिए तो एक अलग भी वो बना है, ये भी मीटिंग हॉल रहेगा। कई बार चर्चाएं होती हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कई बार नई स्कीम आती है किसानों के लिए और हमारे जो मजदूर वर्ग हैं, जो हमारे शागिर्द हैं, इनके लिए, तो उन सब के लिए इसका इस्तेमाल होगा। अभी करंटली हमारे पास कोई ऐसा मीटिंग हॉल अवेलेबल नहीं था जहाँ से बैठ के इनसे चर्चाएं हो जाएं, तो उस सब के लिए चीज काम आएगी। जी जी। तो कहीं ना कहीं आज जो मीटिंग हॉल का उद्घाटन किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ सभी व्यापारियों, अधिकारियों के साथ साथ किसानों को भी मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ नगर मेवात।